वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल सोना की रेसिपी। आज हम अपनी रेसिपी में पास्ता बनाने जा रहे हैं। एकदम सिंपल तरीके से पास्ता बनाने के लिए 250 ग्राम पास्ता लिए हैं। आप किसी भी साइज़ का पास्ता ले सकते हैं, किसी भी शेप का। हम गोल वाला ऐसा वाला लिए हैं। चलिए पास्ता बनाते हैं। पास्ता बनाने के लिए पानी गर्म कर रहे हैं। 1 लीटर के लगभग पानी है, इसको गर्म कर लिए हैं। इसमें सारा पास्ता डाल देंगे। पास्ता सारा डाल दिए हैं। इसमें थोड़ा सा तेल डाल देंगे कि चिपके ना पास्ता, अलग अलग रहे। हल्के हाथों से एक बार चला लेंगे। देखिए अब पास्ता चेक करते हैं हुआ है या नहीं। एक निकाल के देख लेंगे, टूट रहा है, हो गया। अब इसको निकाल लेते हैं। देखिए इसको छान लेते हैं पास्ता को। इसके ऊपर ठंडा पानी डाल देंगे कि ओवर कुक ना हो। देखिए पास्ता को छान के निकाल लिए हैं। चलिए अब पास्ता बनाते हैं। पास्ता बनाने के लिए तेल डाल रहे हैं कढ़ाई में। तेल गर्म हो रहा है। 2-3 कली लहसुन, दो हरी मिर्च, एक प्याज बारीक कटा हुआ, सबको भुनेंगे साथ में। देखिए प्याज हो गया है, इसको ज़्यादा नहीं पकाएंगे, बस ऐसा ही रखेंगे। इसमें टमाटर डालेंगे, 2 टमाटर है बारीक कटा हुआ। टमाटर जल्दी गले इसके लिए इसमें नमक डाल देंगे टेस्ट के अनुसार। टमाटर को पकाएंगे थोड़ा देर। टमाटर गल चुका है, ऐसा ही गलाना है टमाटर को। अगर जिसको ज़्यादा मिर्च पसंद है तो मिर्च पाउडर भी डाल सकते हैं। मुझे मिर्च ज़्यादा पसंद नहीं है तो मिर्च पाउडर नहीं डालूँगी। शिमला मिर्च डाल रहे हैं, इसको ज़्यादा नहीं पकाना है इसलिए लास्ट में डाल रहे हैं। इसको थोड़ा ही पकाएंगे हल्का सा। शिमला मिर्च हो गया है, ज़्यादा फ्राई नहीं करना है, बस ऐसा ही रखना है। अब इसमें टमाटो केचप डाल देते हैं अंदाज से। हम 5 चम्मच डाले हैं, फिर सबको मिला लेंगे। 1 मिनट बस भूनेंगे 1 मिनट के लिए। अब इसमें पास्ता डाल देते हैं सारा, मिला लेंगे। फ्लेम हाई कर देते हैं। गैस का फ्लेम हाई करके इसको 2 मिनट तक इसी तरह चला के भूनेंगे, चिपके ना कढ़ाई में। वाओ क्या सेंट आ रहा है। देखिए पास्ता बनकर तैयार है। अब गैस का फ्लेम ऑफ कर देते हैं। देख सकते हैं सिंपल और टेस्टी, कम सामान में पूरा बन गया। चलिए अब सर्व करके दिखाते हैं।
देखिए कितना डिलीशियस लग रहा है, वाओ कितना अच्छा बनकर तैयार हुआ है पास्ता, देख सकते हैं। देखिए आप लोग भी खाइए पास्ता, आइए आप लोग भी टेस्ट करिए, इस तरीके से बनाकर देखिए, आप लोगों को भी बहुत अच्छा लगेगा। अगर आपकी आप अच्छा लगे तो लाइक करके बताइएगा, सब्सक्राइब करिएगा और कमेंट में बताइएगा ज़रूर कि मेरी रेसिपी आप लोगों को कैसी लगी, पास्ता रेसिपी। थैंक यू।